ओके कैसे गए? ऐसा कर तो बहुत बड़े होंगे। तो भाई आप लोग को जो ट्यूटर बताने वाला है वो साउंड का भी इंस्टाग्राम रील में ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो मैंने इस साउंड के ऊपर खुद ही रील बनाया था तो मेरा वायरल चला गया। तो आप लोग भी इस टाइप का रील बनाना चाहते हो साउंड के ऊपर तो आप लोग को भाई का वीडियो को फुल वॉच करना पड़ेगा। उसके बाद इस टाइप का रील बना के इंस्टाग्राम रील पर अपलोड कर देना और कहीं पर भी अपलोड कर सकते हो, ट्रेंडिंग में चल जाएगा। तो इंस्टाग्राम में खुद का ही वायरल हुआ है तो मैं दिखा दूँ कितना व्यू आया है, तो आप लोग देख लीजिए एक बार। तो आप लोग विश्वास नहीं होगा शायद, तो बहुत क्रिएटर इस साउंड के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। तो अभी तक भाई को फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे तो फॉलो कर लेना, 10 के करीब है। तो सिंपली मैं यहाँ पे दिखा था आप लोगों को, सिंपली जस्ट यहाँ पे देख सकते हो इस साउंड है, इस साउंड का भी 1 मिलियन मतलब मेरा 2 मिलियन के आसपास चला गया, ठीक है, यहाँ पे 2 मिलियन के आसपास। तो इसके ऊपर मैंने और भी ट्यूटोरियल बताया था, शॉर्ट टाइप का मैं यहाँ पे ट्यूटोरियल बताता हूँ, तो लोग यहाँ पे जरूर फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रीव्यू दिखा दूंगा, उसके बाद आप लोगों को पूरा ट्यूटोरियल बताता हूँ। तो सबसे पहले प्रीव्यू गाइस देख लीजिए। म्यूजिक शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। सो गाइस भाई का प्रीव्यू कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और भाई का चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल का बेल आइकन है तो उसको ऑल पे प्रेस कर देना। और बहुत सारे वीडियो देखते हो तो प्लीज़ आप लोगों से छोटे से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का जो बेल आइकन है उसको ऑल पे प्रेस कर देना। तो हम लोग जल्दी से ट्विटर को बना लेते हैं, हम बिल टू आप लोग बिल टू टेक लेट्स गेट स्टार्ट। ओके गाइस ऑलराइट, तो डेटा से रीडिंग करने के लिए जस्ट आप लोगों को एलामेशन को ओपन कर लेना। तो मैं एलामेशन को लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल के अंदर जाके आप लोग डाउनलोड कर लेना। और लोगों को कैपकार्ड के अंदर भी डेटा से रीडिंग ट्विटर बताने वाला हूँ, तो सिंपली आप लोगों को दोनों के बारे में ट्यूटोरियल बताता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग एलामेशन को इंस्टॉल करके ओपन कर लेना पड़ेगा, और प्रोजेक्ट दूंगा एक तो उसको भी इंपोर्ट कर लेना। तो ऑलरेडी मेरा प्रोजेक्ट है तो सिंपली प्रोजेक्ट को इंपोर्ट कर लेना। तो सिंपली प्रोजेक्ट को मैं ऑलरेडी इंपोर्ट करके रखा होगा, उसको प्रोजेक्ट को जस्ट ओपन कर लूँगा। तो जिन लोगों से एक्सेल में मतलब एलामेशन से बनाना है तो वो लोग एलामेशन को प्रोजेक्ट के अंदर इंपोर्ट करके स्टेप एड्रेस बना सकते हो, और कैपकार्ड से भी आप लोगों को ट्यूटोरियल बताता हूँ, ठीक है। तो सिंपली कैपकार्ड में ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो मेरे बहुत व्यूअर है एलामेशन का, तो इसीलिए मैंने एलामेशन को भी ट्यूटोरियल फास्ट दे रहा हूँ, उसके बाद आप लोगों को वीडियो के लास्ट में बता दूंगा इसे कैपकार्ड के अंदर बनाओगे, ठीक है। तो सिंपली आप लोग को इस टाइप का प्रोजेक्ट के अंदर दिखने को शो कर जाएगा, मेरा यहाँ पे फोटो शो करेगा, ठीक है, यहाँ पे एक इफेक्ट है और यहाँ पे इस टाइप का आप लोगों को इस इफेक्ट मिलेगा। और आप लोगों को यहाँ पे फोटो ऐड करना पड़ेगा, उसका सिंपली आप लोगों को इफेक्ट ऐड करना पड़ेगा। तो फोटो भी ऐड करके ट्रेस बना सकते हो, वीडियो भी, ठीक है, तो सेम तरीके से आप लोग करना पड़ेगा। तो सिंपली आप लोग वीडियो से करोगे तो इतना तक आप लोगों को वीडियो पार्ट को लेना पड़ेगा, कितना तक, यहाँ से आप लोगों को 9 सेकंड से मतलब 1 सेकंड से आप लोगों को कितना तक 8.26 तक, ठीक है, इतना तक आप लोगों की वीडियो क्लिप को 9:16 में बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लोगों को फोटो एक 9:16 कैसे बनाओगे और वीडियो कैसे बनाओगे आप लोग कर लेना पड़ेगा। तो सिंपली आप लोग जस्ट क्या करोगे, यहाँ पे आप लोगों को प्लस आइकन में टच करना पड़ेगा, सॉरी बैक कर लेता हूँ, उसके सिंपली प्लस आइकन में टच करेंगे, 9:16 रेशियो सिलेक्ट करके रखेंगे, क्रिएट प्रोजेक्ट पर टच करके एक फोटो को आप लोगों को 9:16 में बना लेना पड़ेगा। तो सिंपली कुछ भी फोटो आप लोगों को एक 9:16 में कन्वर्ट करना पड़ेगा और वीडियो क्लिप को, ठीक है। तो आप अपना वीडियो से डेटा रीडिंग करना चाहते हो उसको 9:16 में कन्वर्ट कर लेना, 3 डॉट पर इसको फिल कंप्रेस एरिया कर देंगे, हो गया। उसके सिंपली एरो में टच करके इसको ऐसे करके एडजस्टमेंट करेंगे, उसके सिंपली इसको रख के यहाँ पे टच करके हम लोग जस्ट यहाँ पे हम लोग इसको एक्सपोर्ट करेंगे, कहाँ पे, जो करंट फोन PNG है, ठीक है, करंट फोन PNG पर टच करके इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो ऐसे करके एक फोटो को जस्ट आप लोगों को 9:16 में बना लेना पड़ेगा। तो और वीडियो को भी चाहो तो वीडियो को भी कर लेना, ठीक है। तो सिंपली करने का अभी मेन प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे, उसके सिंपली वीडियो क्लिप को आप लोग मतलब फोटो को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो फर्स्ट लेयर के ऊपर टच करके कलर पे जाके स्टार पे जाके इसको हम लोग जस्ट मतलब जो फोटो बनाया है उस फोटो को सिंपली सिलेक्ट कर देंगे, एक बार फोटो को सिलेक्ट कर दिए, उसके नीचे जो लेयर है उसको भी हम लोग जस्ट कलर पे जाके इसको भी हम लोग जस्ट यहाँ पे इसको भी ऐड कर लेंगे, दोनों जगह पे इस फोटो को सेलेक्ट कर ले, ठीक है। तो ऐसे करके आएगा देख सकते हो, उसके सिंपली आप लोगों को सेम इस फोटो को अभी यहाँ पे लगा देंगे। तो सिंपली कलर पे जाएंगे, स्टार पे जाएंगे, उसके सिंपली हम लोग इस फोटो को जस्ट ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो हो गया फोटो ऐड, तो ऐसे करके आप लोगों को फोटो ये भी ऐड हो जाएगा। तो होने का सिंपल आप लोग क्या काम करना पड़ेगा, ऐसे करके आएगा तो सिंपल आप लोग यहाँ पे एक दो करके फोटो को आप लोग लगा देना पड़ेगा। तो सिंपल यहाँ पे जस्ट यहाँ पे कुछ फोटो हम लोग ऐड कर लेंगे। तो अभी जो भी फोटो अपना यहाँ पे ऐड करना चाहते हो वो कर सकते हो, और वीडियो चाहो तो वीडियो को भी सिंपली कर सकते हो, पार्ट पार्ट में हम लोगों को भाग करना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ पे कुछ फोटो मैं कैजुअली ले लेता हूँ, तो सिंपली यहाँ पे 10 फोटो को मैंने ले लिया, तो जितना लगेगा मैं रखूँगा, उसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर देंगे। लेयर को ऊपर टच करेंगे, आगे का पार्ट कट करेंगे, एरो में टच करेंगे, यहाँ पे टच करके कट, 3 डॉट पे जाकर इसको भी फिल कंप्रेस एरिया हो चुका, उसके बाद फिर से आप लोगों को लेयर, फिर से एरो, फिर से यहाँ पे आके इसको कट,
फिर से यहाँ पे थीटर पर फिल कंप्रेस एरिया हो चुका है। उसके सिंपली फिर से यहाँ पे दूसरे को भी सेम यहाँ पे टच करके इसको भी काट, उसके थीरोट पे आगे इसको भी फिल कंप्रेस एरिया। तो ऐसे करके आप लोगों को सिंपली कर लेना पड़ेगा। तो मैं सारे करूँगा तो वीडियो लॉन्ग बन जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे इतना तक आप लोगों को मैंने काम दिखा दिया। तो फोटो को सिंपली ऐसे करके एडजस्टमेंट कर लेना सारे बिटमार्क के अकॉर्डिंग, ठीक है, हो गया। आप लोगों को अभी इफेक्ट ऐड करना पड़ेगा, तो इसको हम लोग बैक कर लेते हैं। इफेक्ट वाला प्रोजेक्ट को अभी ओपन करेंगे, उसके सिंपली HDCC यहाँ पे है देख सकते हो। यहाँ पे तीनों चारों जो लेयर है इसको ऊपर टच करके मतलब होल्ड करके कॉपी कर लेंगे, बॉक्स के अंदर टच करके इसको कॉपी लेयर कर लेंगे, हो गया। उसके सिंपली इफेक्ट पे यहाँ पे एक इफेक्ट इसको भी कॉपी कर लेंगे, इफेक्ट पे जाकर थ्रीड पर इसको कॉपी इफेक्ट कर लिया, देख सकते हो इफेक्ट कॉपी कर लिया मैंने। उसके सिंपली आप लोगों को जस्ट यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा आप लोग देख लीजिए। तो सिंपली यहाँ पे जस्ट यहाँ पे HDCC को लगाना चाहते हो तो यहाँ से आप लोग HDCC को लगाना, तो बॉक्स के अंदर टच करके इसको पेस्ट लेयर कर सकते हो, नहीं तो आप लोग चाहो तो गाइस यहाँ पे से मतलब यहाँ से आप लोग को लगा देना, ठीक है। तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ, तो यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट कर दिया मैंने। तो यहाँ पे करने के बाद HDCC लगा दिया मैंने। अब इफेक्ट जो कॉपी करके रखा हूँ उस इफेक्ट को जस्ट इफेक्ट पे जाके थ्रीडोर पे आके इसको पेस्ट इफेक्ट करेंगे, हो गया एक बार। उसके दूसरे को भी सेम तरीके से कर देंगे तो हो गया। उसके चौथे को भी सेम हो गया, उसके सिंपली इसको भी हो गया। तो ऐसे करके आप लोगों को जस्ट कितना तक आप लोगों को कितना तक ऑलरेडी मतलब लेयर है HDCC बढ़ाना नहीं पड़ेगा। तो ऐसे करके आप लोगों को जितना ही फोटो रहेगा उस सारे फोटो के अंदर इस इफेक्ट को लगा देना, ठीक है। तो फुल तैयार हो जाएगा एलमोस्ट के अंदर इस टाइप का टेट है। तो लोगो वगैरह अपना ऐड कर लेना, उसके सिंपली आप लोग यहाँ पर टच करके इसको आप लोग सेव कर सकते हैं, एक्सपोर्ट पर टच करके इसको सेव करके वीडियो को फोन के अंदर सेव कर लेना, ठीक है। तो अभी आप लोग कैपकार्ड के अंदर दिखाऊंगा, जो लोग कैपकार्ड से बनाना चाहते हो तो कैपकार्ड में ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है इंस्टाग्राम रील में। तो सबसे पहले आप लोग VPN को कनेक्ट कर लीजिए। तो आप लोग को तुर्पु VPN को प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लेना पड़ेगा। तो प्ले स्टोर में जाकर आप लोग तुर्पु VPN को सर्च कर लेना, इसको सिंपली इंस्टॉल कर लेना। पता है आप लोगों को कैपकार्ड इंडिया में बैंड है, तो मैं इसको कनेक्ट कर लूँगा। तो कनेक्ट करने का सिंपली आप लोग कनेक्ट हो जाने के बाद अभी कैपकार्ड ऐप को हम लोग ओपन कर लेंगे। तो कैपकार्ड ऐप को ओपन कर लिया देख सकते हो, तो सिंपली कैपकार्ड ऐप को मैंने ओपन कर लूँगा। तो मैंने कर लिया देख सकते हो। तो सिंपली आप लोगों को जस्ट क्या काम करना पड़ेगा आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट रहेगा, तो न्यू प्रोजेक्ट को टच करके यहाँ पे फोटो फ्रेम पे आके आप लोगों को सिंपली 7 फोटो को कैजुअली ऐसे करके सिंपली यहाँ पे ऐसे करके कुछ ऐड कर लेना पड़ेगा। तो 7 फोटो, तो और 2 फोटो मैं ले लेता हूँ। तो सिंपली यहाँ पे 2 फोटो मैंने 7 फोटो को ऐड कर लिया। उसके लास्ट में आप लोगों को यहाँ पे लोगो शो करेगा, लोगो को लिख डिलीट कर दीजिए। उसके बाद 9:16 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ पे फ्रेम पे पर टच करके यहाँ पे आप लोग सिंपली 9:16 जो है इसको सिलेक्ट कर देना। उसके सिंपली फोटो लेयर पर टच करके इसको ऐसे करके एडजस्टमेंट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट कर लूँगा मैंने। तो सिंपली ऐसे करके जितना भी फोटो अभी ऐड किया है तो सारे फोटो को आप लोग ऐसे करके एडजस्टमेंट कर लेना पड़ेगा। तो ऐसे करके आप लोग 7 फोटो को एडजस्टमेंट कर लेना। उसके बाद आप लोग को ऑडियो ऐड करना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे ऐड ऑडियो है, उसके सिंपली आप लोग सिंपली बिटमार्क के अकॉर्डिंग आप लोग इसको बनाना चाहते हो मतलब, उसके बाद आप लोग इंस्टाग्राम पे जाकर भी ऑडियो को ऐड कर सकते हो। तो फिलहाल आप लोग को बिटमार्क के लिए इसको एक्स्ट्रा ऑडियो को लेने के लिए बोलूँगा, ठीक है। तो सिंपली एक्स्ट्रा ऑडियो को ले लेना। सिंपली एक्स्ट्रा ऑडियो को मैं ले लूँगा, तो सिंपली यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑडियो को जस्ट ले लूँगा। सिंपली एक्स्ट्रा ऑडियो कट दिया, तो सिंपली यहाँ पर नहीं आया। तो सिंपली यहाँ पे ऑडियो पे जाके साउंड पे जाके सॉरी यहाँ पे एक्सटर्ट पे जाके हम लोग इसको यहाँ पे टच करके यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। तो अभी आ गया देख सकते हो। तो सिंपली यहाँ पे बीट मार्क के अकॉर्डिंग आप लोग को फोटो को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो इसका मैं एक स्क्रीनशॉट दे दूंगा ऑल मटेरियल के अंदर। तो सिंपली आप लोग उसको देख करके फोटो को बीट मार्क के मतलब फोटो को बीट मार्क के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट कर लेना। ऑलरेडी मैंने बीट मार्क करके रखा, तो सिंपली उसको मैं ओपन कर लेता हूँ उस प्रोजेक्ट को। तो अब इसको बैक कर लेता हूँ। तो सिंपली बीट मार्क जो प्रोजेक्ट है मैं इसको ओपन कर लूँगा। तो सिंपली देख सकते हो यहाँ पे बीट मार्क के अकॉर्डिंग मेरा फोटो यहाँ पे है। यहाँ पे एक फोटो 11 सेकंड तक, उसके सिंपली यहाँ पे एक फोटो आया, उसके सिंपली यहाँ पे। तो इसका बीट मार्क का जो स्क्रीनशॉट है मैं वो दे दूंगा, तो लोग देख लेना। उसके बाद आप लोग को इस टाइप से फोटो को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो अभी इसके अंदर आप लोग कौन से इफेक्ट दोगे वही आप लोग को यहाँ पे बताऊँगा। तो सिंपली फास्ट जो फोटो लेयर है उसके ऊपर टच करना, एनिमेशन पे जाना, उसके सिंपली यहाँ पे कॉम्बो है कॉम्बो पे जाना, उसके सिंपली आप लोग स्लाइड करके जाना पड़ेगा। थोड़ा लोड लेगा, आप लोग का नेट कनेक्शन फास्ट आएगा तो आ जाएगा। तो मेरा थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है, वाईफाई थोड़ा सा स्लो है तो इसीलिए नहीं आ रहा है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे जो देख सकते हो यहाँ पे विथ शो, तो यहाँ पे टच करना, तो ऐसे करके आप लोग को आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपली आ जाने का सिंपली हो गया। उसके सिंपली आप लोग को यहाँ पे जितना भी फोटो रहेगा गाइस, तो यहाँ पे पेंडुलम 2 लगा देना पड़ेगा। तो ऑल फोटो के अंदर आप लोग को जस्ट यहाँ पे पेंडुलम 2, ठीक है, पेंडुलम 2 नहीं तो पेंडुलम 1 जो भी है आप लोग लगा सकते हो। तो पेंडुलम 1 मैं लगा देता हूँ, उसके सिंपली इसको भी पेंडुलम 1 लगा दिया। उसके बाद पेंडुलम 1 फिर से, इसके बाद फिर से इसको भी पेंडुलम 1। तो ऐसे करके जितना भी फोटो रहेगा सारे फोटो के अंदर आप लोग को पेंडुलम 1 लगा देना पड़ेगा।
हो गया ठीक है। पेंडुलम ऑयल लगाने बाद इसको डान खट देंगे। तो इतना तक आप लोग काम समझ में आ गया। तो अभी आप लोग को यहाँ पे और एक इफेक्ट ऐड करना पड़ेगा। तो फिर से इफेक्ट पे जाना, उसके बाद यहाँ पे इफेक्ट वीडियो इसके ऊपर टच करना। उसके बाद सिंपल आप लोग को जो इफेक्ट ऐड करना पड़ेगा वो देख लीजिएगा। तो सिंपल बेसिक पे जाना पड़ेगा। बेसिक पे जाने के बाद उसके बाद सिंपली यहाँ पे एक ब्लिंग वाला इफेक्ट को ढूंढ लेना पड़ेगा। तो सिंपली कहाँ पे मिलेगा देखता हूँ मैं। तो सिंपली यहाँ पे पार्टी पे आ जाना पड़ेगा। उसके सिंपली यहाँ पे ब्लिंग जो है ब्लिंग फ्लैश इसके ऊपर टच करके आप लोगों को ऐड करना पड़ेगा। तो हो गया देख सकते हो। उसके सिंपली इसको बैक कर लेंगे। उसके बाद डान करके पैक हो गया। उसके सिंपली इसको जितना तक आप लोग का फास्ट फोटो रहेगा उतना तक आप लोग का ऐड कर लेना पड़ेगा ठीक है। तो इसको इतना तक आप लोग को ऐड कर लेना। उसके बाद अभी आप लोग को सिंपली फिर से आप लोग को इफेक्ट पर जाना। उसके बाद सिंपली आप लोग को एक और इफेक्ट ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे एक पार्टिकल वाला। सिंपली हम लोग इसको पार्टिकल वाला वीडियो को मतलब इफेक्ट को ढूंढ लेता हूँ। यहाँ पे जो डिटेल्स है डिटेल्स पे आके आप लोग यहाँ पे बहुत सारे मतलब पार्टिकल मिलेगा। तो जो भी अच्छा लगे आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हो। सिंपली मैं इसको ही ऐड कर लेता हूँ हम लोग को दिखाने के लिए ग्लिच टू। तो सिंपली इसको ऐड कर लूँगा। तो थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है देख सकते हो। तो सिंपली इसको ऐड कर लिया मैंने। उसके सिंपली इसको जितना तक वीडियो है उतना इसको ले लेंगे घिसका के। तो इतना तक आप लोगों का हो जाएगा ठीक है। तो उसके सिंपल आप लोग एक्स्ट्रा ऑडियो को मतलब लिया था उसको भी यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हो। मतलब क्या बोले उसको इंस्टाग्राम में जाके ऑडियो पे चूज करके भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो ऐसे करके आप लोग का बन जाएगा टेटस। तो आप लोग इसी तरह से फोटो से बनाया वीडियो से भी बना सकते हो। तो सिंपली यहाँ पे आप लोग वीडियो को सेव कर लेना। उसका सिंपली एक्सपोर्ट हो जाएगा आप लोग का फोन के अंदर वीडियो सेव हो जाएगा। तो भाई का वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल हुआ तो वीडियो को लाइक करके फिर लोगों से शेयर भी कर देना। और गाइस कैसा लगा वीडियो वो भी कमेंट सेक्शन जरूर बताना। तो कुछ भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन के बारे में तो मुझे इंस्टाग्राम में DM करके जरूर बताना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय बाय।